सतनाम जीवाहे गुरु साहिब। असी प्रोग्राम रखे इधर महाराष्ट्र च, उते कीड़े बड़े डिगण, बहुत ज्यादा जीव निकल, लाइटा जागदियां सी, मीह दे दिन सी, बड़े पमक्कड़, बड़े कीड़े, ते जेड़े भाई ते बीबियां, कदी इधरों कीड़ा आउंदा है, कदी इधरों। कीड़ियां नाल रुझे होए ने, ते नींदर नहीं, चुस्त हो के बैठी। मैं कहा कीड़े तुहानू सावधान करदे आ कि सावधान हो के नाम जपो। ये कीड़े मकौड़े जड़े है नाम जपाउंदे आ। बाबा आनंद सिंह जी वेले एक गुरमुख प्यारा आण के ना बार लम्मा पै गया, जिवें कीर्तन च बैठे भी हुण लक सीधा कर लिया। अज जो मैं इतने आया पांच सात ही बैठे सी, आ बाकी सारे सीधे लक वाले ही ने, ये लक लुक सीधा करते पे सी उधर, बाद च फिर निकले आवाज सुन के। वो जाके कीर्तन च उठ के जाके लक सीधा करन लग पिया, लम्मा पै गया, नींदर आ गई तो सप आ गया उत्ते चढ़िया, पैर नू लत नू लगिया कुछ, वेखिया सप, रोला पाता सप सप, भी इधर नू बढ़ गया अदरख्त दे विच, उन्दे ते तेल सट के इन्होंने अग ला दी। बाबा जी आ गए, भाई ये की करदे हो? कुदरती बाबा आनंद सिंह महाराज भी बाहर आ गए, कहते बाबा जी सप्पे, कहते मूर्खा इतने सापा नहीं आना है, ये गुरु नानक का पहरेदार थे, तू सौ गया सी ना आके? कहता जी मैं दुआन चो माड़ा जा आ के पिया, लम्मा तो नींदर आ गई, मैं सौ गया। कहते फिर पहरेदार आया सी, तू उन्हू साड़दा फिरदा दरख्तों एवं अग लाई जाना है? वह तो गुरु नानक साहब का पहरेदार तेन उठाने वास्ते आया सी, भी कई कीर्तन आपकी भगती ना छड़, नाम जप एवें गुप्त रूहां सेवा करती है बाबा जी के कार्ज। सुत्तियां नू उठाउणा, मन इस पासे लाउणा, उदम उपराला करना। भाई मगर सिंह सी महापुरशां कोल आउंदा सी कनौरी, कहिंदा मैं जाके बाहर हुंदा बंदा भी तड़के दो बजे डेढ़ बजे उठाता है, कीर्तन सुगमनी च पाता, कीर्तन च बैठे माड़ा जिहा लेट जाइए जाके, जदों लेटिया ना तो मेरे पता नहीं की चढ़िया, तो मैं हाथ मार लग्या कपड़े झाड़ झाड़ के आपदे। महापुरख आ गए, कहते गुरमुखा सत्संग चल रहा है, नाम जपया जा रहा है, रब नू करन याद करन दा समां है, तू क्यों आ गए? आ ए कीड़े कूड़े इत्थे कोई नहीं, ये तां सारे गुरु दे भगत ने, ये तैनू उठाउण वास्ते आया सी, भी चल जाके नाम जा। कीड़े मकौड़े भी प्रेरणा करते हैं, नाम जप बंदिया सौ के वक्त ना गवा, जाके दुआन च उठ के सौ के कहते बाबा जी बड़ा माड़ा ही सुपना आया, त्रब के उठ पे। और सुपने नू सोचन लगे, सुस्ती भज गई, भी साडा तो एक्सीडेंट हो गया। इको दम मन गुरु वाले पासे जुड़िया कि अच्छा होवे, कोई माड़ा काम ना होवे,
ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਧ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪਾੜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਹਿਬ